तो जय हिंद दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे दूसरे बिजनेस मैन हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं जो आटा चक्की बिजनेस नहीं करते, मेरे आसपास रहते हैं, तो कभी कभी हम साथ में बैठे होते हैं, कभी कभी मुझे पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस सबसे अच्छा है, आपके बिजनेस में कभी मंदी नहीं आएगी, जिसको खाना है वो तो पिसवाएगा ही, तो उस तरह के सवाल जो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेस में मंदी नहीं आती, हाँ मंदी नहीं आती ऐसा तो नहीं बोल सकता, पर दूसरे जो बिजनेसमैन हैं जो दूसरा कोई बिजनेस करते हैं उनसे हमें कम मार पड़ती है, जो कम हमारा जो मंदी का माहौल है वो हमें कम नड़ता है। दूसरे बिजनेसमैन को समझ लो कि कोई सीजनी धंधा करता है, सीजन पर सीजनी धंधा होता है, जैसे मसाला पिसाई हो गई, मसाला पिसाई में कैसा होता है दोस्तों कि वो सीजन में चलेगा, 4 महीना या 3 महीना चलेगा, बाकी का 8 महीना वो इतना नहीं चलेगा, तो जो गर्मी के मौसम में जो मसाले की सीजन आती है उसमें मसाला चलेगा। इस तरह जैसे दूसरे भी कोई बिजनेस में तो वो भी उसी तरह चलेंगे सीजन ऊपर ही, पर हमारे आटा चक्के का क्या है तो वो 12 महीने का है, हमारा जो बिजनेस होता है 12 महीना हमारा चलता रहता है। हाँ बीच बीच में ऐसा कभी कभी ऐसा महीने आ जाते हैं या कभी त्यौहार आ जाता है कि शादी का सीजन आ जाता है, तो उस टाइम में हमारे वहाँ पर मंदी होती है, वो मंदी पर दूसरे को होती है उतनी नहीं होती। हाँ कपड़ों की दुकान है, ज्वेलरी से मेकअप का सामान है, उस तरह की जो फैशन की जो भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर शादियों के मौसम में या त्यौहार के मौसम में वहाँ पर ग्राहकी ज़्यादा रहती है, हमारे वहाँ थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले ऐसा नहीं था, जो पहले का समय था जो मेरे पिताजी का समय था तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था, जो शादियों का सीजन है और जो त्यौहारों का सीजन था तो उस टाइम पर हमारे वहाँ भी इतनी ग्राहकी रहती थी कि दोस्तों के बात ही जाना। तो उस टाइम पर क्या था कि जो पुराने जो हमारी माएँ बहनें थी, जो हमारी माएँ थी, वो लोग क्या करते थे कि शादी का सीजन हो या त्यौहारों का सीजन हो, तो त्यौहारों में भी क्या था कि जो बाज़ार से हम मिठाई है या फरसान है या कुछ भी ऐसे आइटम होती है खाने की चीज़ें होती है वो सारी हम पिसवाते थे, पिसवा के घर पे ही अलग अलग वेराइटी अलग अलग चीज़ें हम बनाते थे दोस्तों। पर अभी ऐसा नहीं रहा, अभी क्या होता है कि जो भी दुकान पर अभी मिलता है वहाँ से हम तैयार पैकेट लाते हैं और वो भी त्यौहार में हम खाते हैं, और शादियों के सीजन में भी ऐसा हो गया है। अब क्या, पहले क्या कैटरर्स नहीं था, अब कैटरर्स हो चुका है, हर जगह पर ले देते हैं कि भाई इतना पैसा लो और इतना यहाँ पर आपको जो भी शादियों में बनाने का है भी है उसका हम पैसा दे देते हैं और वो वहाँ सब उनकी तरफ से वो सब एडजस्टमेंट करते। पहला क्या था कि हमें जो भी बनाना है तो हम जो भी कारीगर है उससे बिठाते थे और कहते थे इस तरह बनाओ, और जो उसमें आइटम लगेगी हम आपको ला के देंगे, जो उसमें आटा लगेगा या कुछ भी लगेगा तो हम आपको पिसवा के देंगे। अब ऐसा नहीं, आप कैटर्स वालों को पैसा देते, अब सब उसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करते हैं कि वो भी जो पैकिंग माल आता है वो इस्तेमाल करते और पिसवाने की उनको भी झंझट नहीं रहती, तो वो हमें मार पड़े जो शादियों के और त्यौहारों के सीजन में हमें ये 20-25% मार पड़ा। बाकी पहले क्या होता था कि पहले शादी और त्यौहारों के बीच सीजन में भी हमें ज़्यादा मुनाफा होता था दोस्तों। शादियों के सीजन में भी हमारे वहाँ भी थोड़ी बहुत मंदी रहेगी, 20-25% हमारे वहाँ चक्की में मंदी आती है ज्यादा। और हाँ, अगर जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जिनका कोई फैशन का भी काम कर नहीं है और दूसरे बिजनेसमैन हैं उनके जो मंदी आती है जो 50% या 60% कम हो जाती है, तो उस तरह की हमारे मंदी नहीं आती, सबसे अच्छा बिजनेस हमारा है क्योंकि उतनी मंदी नहीं आती दोस्तों, हमें पता नहीं चलता। जब भी ऐसी मंदी होती है तो हमें 10-15% या 20% जो हमारी मंदी हमको नड़ती है तो उससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मंदी आके चली गई है। तो आटा चक्की का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है दोस्तों, उसमें आपको मंदी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि 2000 रुपये की पिसाई रोज आती है, अब 2000 रुपये की पिसाई में कभी 2500 रुपये की पिसाई आएगी, कभी 3000 की पिसाई आएगी, कभी 1500 की पिसाई आएगी, तो हमें पता है कि 2000 के आसपास हमारी पिसाई चलेगी। तो मंदी के समय में क्या होता है कि समझ लो कि 2000 की पिसाई में से अगर 100 या 150 रुपये आपका कम हो गया, 1900 रुपया या 1850 रुपया आपका हो गया, तो उससे आपको ज़्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि भाई कभी कभी हमारा जो 1500 आता है कभी 2500 आता है उस तरह का आया है, तो आपको उस तरह पता नहीं चलेगा। पूरा महीना आप अगर हिसाब करते हो, अगर आप लिख के रखते हो तो आपको पता चलेगा, बाकी आप
आटा चक्की में इस तरह का कोई हिसाब किताब कोई रखता नहीं है कि भाई मैंने आज इतना कमाया कल इतना कमाया। मैं अपना पूरे महीने का हिसाब लिखता हूँ दोस्तों कि मैंने आज कितना कमाया, आज कितना मेरा व्यापार आया, आज मैंने किस किस को क्या दिया, वो पूरे महीने का मैं डेटा रखता हूँ। इसलिए इस तरह का वीडियो मैं बना सकता हूँ। मुझे पता है कि कब मंदी आती है, कब मेरा कौन से महीने मंदी आती है, और ज़्यादातर त्योहारों में मंदी, दो त्यौहार में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मंदी होती है। तो दोस्तों लिख के रखोगे तब आपको पता चलेगा आपने इस महीने कब कितना कमाया दोस्तों, और आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ। और ये गुजराती में ज़्यादातर होता है दोस्तों, जो गुजराती लोग होते हैं वो एक एक रुपये का अपना हिसाब रखते हैं। तो मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ दोस्तों कि अगर आप अपना बारे में कुछ भी आप अपने हिसाब रखना चाहते हो, आपको पता चला आप कितना काम, कितना आपने कमाया है, आपने कितनी मेहनत करके कितना कमाया है, कितना आपको नुकसान किया, कितना आपने खर्च किया, कहाँ पर आपने खर्च किया दोस्तों, तो वो सब लिखना ज़रूरी है। आप लिख के रखोगे तो आपको महीने दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने यार इतनी मेहनत की और बेफजूल जगह पर इस तरह का मैंने पैसा इस्तेमाल किया, मुझे इतना मिलना चाहिए और इतना नहीं मिला। तो लिखने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, तो लिख के जरूर रखिएगा ताकि आप जितना लिख के रखोगे ना उतना आपको पता चलेगा कि आप मेरे को इसमें क्या करने का है, मैंने कहाँ ये पैसा खर्च किया है, जहाँ करना चाहिए वहाँ क्या है या नहीं किया, वो सब आपको पता चलेगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादातर फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी माइंड सेट बदलेगा कि ये मैंने गलत किया है, ये सही किया है, तो उस तरह का आपको फ़ायदा होगा। तो और रही दो ऐसे त्यौहार की दोस्तों बात कि जिसमें सबसे ज़्यादा मंदी आती है, तो वो दो त्यौहार है दोस्तों। एक तो हमारा अभी रमज़ान महीना चल रहा है, उसमें क्योंकि फास्ट रहते हैं, उपवास रहता है, रोज़े रहते हैं, तो दोस्तों उससे थोड़ा बहुत जो भी अगर आपके मुसलमान एरिया में है चक्की, तो वहाँ आपको रमज़ान महीने में सबसे ज़्यादा पिसाई कम होगी, सबसे ज़्यादा यानी 40% आपकी पिसाई कम हो जाएगी, 40 से 50% आपकी पिसाई कम हो जाएगी। और दूसरा त्यौहार होता है, और सभी जगह पर रहते या नहीं रहते मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को दोनों ये त्यौहार मेरे को लागू पड़ते क्योंकि दोनों कास्ट के मेरे पास लोग आते हैं दोस्तों। एक हो तो गया रमज़ान महीना, दूसरा महीना हो गया सावन महीना। जो सावन महीने में जो उपवास रहते पूरा महीना हिंदू लोग हमारे भाई, तो उनको भी जो जिस तरह हमारे रमज़ान महीने में कम हो जाती है पिसाई, उस तरह सावन महीने में भी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों आते हैं तो मेरे को पता है दोस्तों। क्योंकि सावन महीने में भी जो उपवास रहते हैं उसकी वजह से भी मेरे पिसाई कम हो जाती है, पिसाई कम हो जाती है मतलब मेरे को 25 से 30% का फ़र्क पड़ता है, और रमज़ान महीने में भी जो रोज़ा रखते हैं उससे उसकी वजह से भी 25-30% का फ़र्क रहता है। और दोस्तों वो त्यौहार का मामला होता है, उससे क्या होता है कि सावन महीने में और रमज़ान महीने में अगर कम आया है तो उसके बाद के महीने में डबल पिसाई जाती है, तो ऊपर वाले का करम है दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस तरह के त्यौहार में हमारा थोड़ा बहुत कम होता है। और रही सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पूरी दुनिया में मंदी चल रही, तो मुझे कल ही मैं बैठा था तो कल ही मेरे को एक जाने दोस्त ने बताया कि पूरी दुनिया में भी मंदी चल रही। हमारे हम खुद फ्री बैठे दुकान पर, हमें कुछ व्यापार इतना नहीं आता, समझ लो कि 60 से 50 से 60% हमारा व्यापार कम हो चुका है। तुम मुझे बता रहे थे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोगों को ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए आपके ऑफिस वाले भी आएंगे, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों इस समय की मंदी सबसे भयानक मंदी है, सबसे खतरनाक मंदी है। अब इस तरह की मंदी होती है ना दोस्तों कि पूरी दुनिया में जो मंदी चल रही है ना उसमें सभी चपेट में आते हैं। जैसे समझ लो कि दोस्तों अभी सिर्फ हिंदुस्तान में मंदी नहीं चल रही, ये पूरी दुनिया की मंदी है। ये लॉकडाउन के पहले, ये कोरोना के हिसाब से हुआ या जिसके हिसाब से हुआ, या दुनिया में कहीं भी युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से हो रहा है, किसी भी हिसाब से हो रहा है, हमारे वहाँ जो भी मंदी चल रही है दोस्तों उसके चपेट में सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना आटा चक्की का बिजनेस है तो उसमें ये तकलीफ़ नहीं आएगी, सभी बिजनेस में ये तकलीफ़ आएगी। अब ये तकलीफ़ क्यों आएगी, आप भी कहोगे कि यार जब लोगों को खाना है पड़ेगा तो पिसवाना तो पड़ेगा, तो दोस्तों वह भी मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि वो किस तरह मंदी आएगी। दोस्तों आप समझ लो कि आपकी जो खुराक है वो पूरी दिन की 15 रोटी की है, बराबर। सुबह को 5 खाओगे, दोपहर को 5 खाओगे, रात को 5 खाओगे। आप समझ लो ये जब आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, ना आपको मंदी नड़ रही है ना कुछ नड़ रहा है। आप समझ लो दोस्तों कि बाज़ार में मंदी आए, आपके किराए पर दुकान है या किराए पर घर है, आपके घर में इतने लोग हैं कि आपके अकेले ऊपर जिम्मेदारी है, पूरे घर की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उस तरह की जिम्मेदारी वाले ऊपर जब तक दोस्तों काम चलता है तब तक वो खुश रहता है।
कि वो सब ये हैंडल कर सकता है, सबको दे सकता है, ले सकता है, घर अपना चला सकता है। पर अगर दोस्तों इस तरह की मंदी आए तो जिम्मेदारी वाले लोग होते, सबसे ज़्यादा टेंशन वाले लोग होते, वो अपने दिल ऊपर दिमाग ऊपर अपना ये सब टेंशन लेते, जिसकी वजह से वो बीमा की खुराक ही घट जाती दोस्तों। तो ज़्यादातर दोस्तों लोग गरीबी हालत में जी रहे, अगर इस तरह की मंदी चल रही है दोस्तों तो सब टेंशन ले लेते हैं, और जो हमारे 10 से 15 रोटी का पूरे दिन का हमारी जो खुराक होती है वो 50 से 40% पर आके खड़ी रह जाती है दोस्तों। तो जिसकी वजह से समझ लो कि हमारे वहाँ जो भी पिसाई करना आता है उसमें से समझ लो कि हमारे जो भी एरिया में चक्की है, गरीब एरिया में मध्यम वर्ग में चक्की है, तो ये मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को ही ये मंदी नड़ती है। ज़्यादा पैसे वालों को ऐसी मंदी नहीं नड़ती, तो ये गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग ही हमारे पास पिसवा नड़ते हैं। और वो लोग क्या है, टेंशन की मारे जो एक रोटी दो रोटी खाता है वो एक रोटी खाएगा, जो पांच रोटी खाता है वो दो रोटी खाएगा। तो उस तरह की पीछे हमको जो हमारे पास दो पहले उसका एक महीने का हमारे कस्टमर का 20 किलो पिसाई आती थी, तो उस जगह पर हमारा 10 या 15 किलो हो जाएगी। तो उस तरह का हमें मंदी नड़ती है दोस्तों। तो त्यौहार हो या शादियों का सीजन हो या इस तरह की महामारी में जो मंदी आती है उसमें हमें भी 25 से 30% हमें भी मार पड़ती है। और अभी की जो मंदी है वो तो सबसे भयानक है, 30 से 40% की अभी मंदी चल रही है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की मंदी चल रही है। अगर आप कम कमा रहे हो तो दुनिया में सभी लोग अभी की हालत में जो उनके हिसाब से जो कमाना चाहिए उससे वो कम कमा रहे हैं दोस्तों। तो आपको हिम्मत रखनी है, ये टाइम थोड़ा टाइम ही रहेगा, उसके बाद सब खुशहाली और अच्छा दिन आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।